हेलो एवरीवन। तो आइए देखिए, आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी सा पनीर वेजी सैंडविच। इसमें मैंने ना टोमेटो सॉस डाला है ना मेयोनीज डाला है, उसके बावजूद इतना हेल्दी है और इतना टेस्टी भी है, बस मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है, उसके साथ में मैंने कुछ वेजी जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मैंने इसमें लिया है खीरा, गाजर और टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा कॉर्न रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है। इन सबको हमें एक में डाल करके मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें मेयोनीज नहीं डाल रहे हैं, तो क्योंकि मेयोनीज में सॉल्ट होता है, बटर में भी सॉल्ट होता है, तो हम उसमें नहीं डाल रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। उसके साथ में मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पिज्जा का ऑर्गेनो वाला डाल दिया, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। और पनीर तो बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है, आप बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं, खुद भी नाश्ते में खा सकते हैं। और इसको आप एक बार थोड़ा सा बना लीजिए, फिर आप 10-5 मिनट में किसी को भी दे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। और ये मैंने 2 ब्रेड लिया है, मेरे पास इस समय व्हाइट ब्रेड थी, वरना आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टी ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है, इसमें आप जितना चाहे फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहें तो ग्रिल सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो तवे पे, मैंने तवे पे किया है। मैंने इसमें बटर ज़्यादा दिख रहा है, मैंने इसमें थोड़ा सा बटर लगाया था, और उसके साथ में मैंने हल्का सा बटर ऊपर भी लगा दिया है। और इसको अच्छे से सेक लेंगे, और ये सेकने के बाद इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लंच बॉक्स में दे दीजिए बच्चों को, उन्हें भी बहुत पसंद आता है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा सैंडविच कैसा लगा। ये बहुत टेस्टी था, प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, लव यू ऑल।